गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। और मैं पहुँच गई थी 4:30 बजे पार्क। आज है संडे। 1.5 घंटे वॉक किया और उसके बाद किया अनलिमिटेड सूर्य नमस्कार। वैसे मेरे घुटने की थेरेपी चल रही है, बट मैंने सोचा कि मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार, क्योंकि इतना भी अपने शरीर को मतलब नाजुक नहीं बनाना चाहिए कि जो आप मतलब फिर आपके उसी के आपको हैबिट पड़ जाए। थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। पापा भी यही बोलते थे कि अपने को जितना शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना ही अच्छा ही रहता है। और घर पहुंची मैं। घर पहुंचने के बाद मुझे दिखा पंखा गंदा। मैंने पंखा किया साफ और ये डोरा हल्ला कर रही है बीच में, वॉइस ओवर करते समय हल्ला कर रही है बीच में। मैंने पंखा साफ करने के बाद झाड़ू भी निकाल दिया कमरे का और डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि हाउस हेल्प तो लगा रखे हैं हमने, लेकिन क्या कहते हैं, आज है संडे तो सभी लोग घर में रहेंगे, किस टाइम करवाऊँगी साफ। मैंने सोचा खुद ही कर देती हूँ। और झाड़ू भी बाहर निकाल दिया। जो जीना जो साफ करने में जो हेल्प करती है वो आने ही वाली होगी। अभी 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो 6:30 तक वो आती है, 6:30-7 तक आती है। और मैंने करी टेस्टिंग, करके मैंने झाड़ू भी निकाल दिया बाहर को, तो वो जीना साफ़ करेगी तो बाकी कूड़ा वो साफ़ कर लेगी खुद ही। तो ये हो गया, अभी बज रहे 6 और मैंने लाइट जलाई यहाँ की। जीने में थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। मैं हो गई पूरा पसीने से तर पंखा साफ़ करके। उसके बाद आके ऊपर देखा तो भाई साहब यहाँ हो तो अभी तक रात ही हो रही है। ये साहब जी सो रहे हैं और लाइट बंद है यहाँ, और ये डोरा बाहर को आ रही है टोगो उनकी। मैं छत पे चलो छत पे चलो छत पे चलने के बाद मैंने तोड़े फूल, और उसके बाद आऊँगी नीचे पूजा पाठ करके। आज बहुत सारे काम हैं, थेरेपी कराने भी जाना है, घुटने की जो थेरेपी करा रही हूँ मैं पंचकर्मा, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जैसा कि मेरे को थेरेपी हो रही है तो एक्सरसाइज भी बताई है। तो पहले भी मैं करती थी वो एक्सरसाइज, लेकिन मम्मी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा चलो मम्मी का ट्रीटमेंट कराने के साथ जब मम्मी को लेके जाना ही है, क्योंकि भाई को टाइम नहीं है, वो जिम में होता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अपना भी करा लेती हूँ। जब आपको बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, क्यों ना कराना। फिर ये मैंने करी है छत साफ़, और छत साफ़ करने के बाद बहुत काम है। आज सभी लोग घर में हैं, ऋषभ का भी कॉलेज नहीं है आज, और निकी जी भी घर पर हैं। तो छत साफ़ करने के बाद मैं नाश्ता वास्ता बनाना है, फिर उसके बाद दिन का खाना है। दिन के खाने में आज बनाऊंगी मैं, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आ गई नीचे। उसके बाद ये डोरा इंतज़ार कर रही है, और ये मैंने उठाए हैं फूल, सोचा एक फूल और तोड़ लेती हूँ। तो फूल तोड़ने के बाद, छत धोने के बाद मैं आ गई नीचे। ये डोरा यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही है। टोगो बदमाश नीचे भाग चुका है, उसको बोला चलो, और ये चल पड़ी नीचे को। तो बाकी पिया मैंने एलोवेरा जूस, प्यास लग गई है। उसके बाद हो गई पूजा पाठ करने के बाद, आज बनाई मैंने कढ़ी। आज संडे है और आज बना रही हूँ मैं कढ़ी। नेगी जी ने बोला कढ़ी बनाओ। आप लोगों को पता है एक बात, आप लोगों को किन्हीं किन्हीं लोगों को पता होगी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगी, क्योंकि जो फोर्स होते हैं उसमें, हमारे जो ITBP फोर्स है उसमें संडे के दिन मैस में कढ़ी बनती है। कढ़ी और भात, कढ़ी चावल। भैया हम तो भात ही बोलते हैं, हम तो गांव के लोग हैं, हमारे तो भात ही बोलते हैं, चावल तो बोलते हैं, कच्चे तो चावल होते हैं। इसलिए मैंने बनाया आज कढ़ी और भात। और उसके बाद जाना था, आज संडे को भी ओपन है थेरेपी वाला, तो मैंने बना दिया कढ़ी और भात। और उसके बाद मम्मी के साथ जाना है थेरेपी कराने के लिए। ये देखो इन्होंने गद्दा यहाँ सुखाने के लिए छत में ले गए, लेकिन ऊपर रखा नहीं है इसको बेड पे, बीच में ये टोगोडोरा को ही करना पड़ता है। हो गई है शाम, तो इनको शाम का स्नैक्स दिया जा रहा है। और आज का शेड्यूल बहुत बिजी रहा। ये है टोगो, इसको जो ट्रीट दी जाती है वो बांध के दी जाती है,
क्योंकि ये पूरा निकल जाता है। ये तो टोगो तो खा रहा है अपनी ट्रीट और मैं चलती हूँ छत में। छत में पूरा फैला रखा मैंने और रेनू आ गई है। मैंने उसको थोड़ा अपनी हेल्प करने को बोला है और मैंने कुछ गमले खाली करे हैं मिट्टी के जो मुझे हटाने हैं, जिनसे छत बारिश हो रही है और छत पूरी गंदी हो रही है, तो जिससे ब्लॉक होने का भी खतरा है छत को। मिट्टी इतनी भरती रहेगी तो नाली में भरती रहेगी तो सही नहीं है। मुझे काफ़ी मैंने हटा दिए हैं, प्लास्टिक के लगा दिए हैं गमले, और ये एक एक करके मैं सारे हटा रही हूँ। अब जब ये सारे के सारे हट जाएंगे प्लास्टिक के, जब मैं चेंज कर दूँगी तब मैं आपको अपने छत का मेकओवर दिखाऊँगी। तो फिर ये मैंने हटा दिया, मैं दिखा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, जय हिंद।